गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट का जो हमारा मैथ में आज हम लेसन 5 जो है वो पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं लेसन 4 तक हमने नंबर अप टू 9 पढ़ा था, है ना, नंबर अप टू 9 पढ़ा था। ठीक है, जिस नंबर जो हम नंबर्स लिखते हैं, है ना, जैसे 1, 2, ये जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इनको हम या तो नंबर्स बोलते हैं या तो फिर हम इनको डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 से लेके जो 9 तक के नंबर होते हैं ये 1-डिजिट नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? 1-डिजिट नंबर होते हैं जिसमें कि जो 9 है वो सबसे ग्रेटेस्ट 1-डिजिट नंबर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो एक ये प्रीवियस एक्सरसाइज है, बिल्कुल जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी से एकदम रिलेटेड है। तो जैसे कि इसमें आपको ये 4 लीव्स दिख रही है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये क्या कह रहा है, काउंट द ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट को काउंट करो और उन पर सर्कल करो। जैसे 4 है तो ये 4 पे मैंने लगा दिया। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप कितनी होगी, 6। ये बर्ड्स कितनी दिख रही हैं आपको, 1, 2, 1, 2, 3, तो ये आपको 3 दिख रही हैं, तो 3 पे आप सर्कल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। फिर है मैच द फॉलोइंग, मैंने आपको वर्ड्स आपको लिखने आते हैं, ये आपके डिजिट या नंबर्स बोल सकते हैं इनको। जैसे 3, तो 3 को आप 3 से मिलाएंगे, 8 को आप 8 से मिलाएंगे, है ना, मतलब वर्ड्स को और नंबर को, मतलब जो ये न्यूमरल है इनको आप वर्ड्स से मिलाएंगे, वर्ड्स को आप न्यूमरल से मिलाएंगे। जैसे 5 है तो 5, 7, 2, 9, 6, 4, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारा जो ये चैप्टर है वो है नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। अभी तक हमने 1 से लेके 9 तक का पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे 10 से लेके 20 तक। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप कि 0 से लेके 9 तक के नंबर तो क्या हुए, 1-डिजिट नंबर कहलाए। अब 9 and 1 मिलके क्या बनता है, 10 बनता है। 9 और 1 मिलके क्या बनता है, 10 बनता है। और जब ये 10 जब बनता है तो इसका जो 1 जो होता है वो 10th प्लेस पे होता है। ठीक है, तो जब नंबर्स 10 हैज 2-डिजिट, तो जो नंबर है जो 10 है ये कैसा डिजिट नंबर है, ये 2-डिजिट नंबर है, सो इट इज़ कॉल्ड ए 2-डिजिट नंबर। ठीक है, जिसमें कि आपका, जैसे कि मैंने 10 लिखा, जो 0 है ये कौन सी प्लेस पर है, 1's प्लेस पर है, और जो ये 1 है ये आपका है 10's प्लेस पे। ठीक है, तो ये 1's प्लेस और ये 10's प्लेस। ठीक है, तो 0 जो है वो 1's प्लेस पे, जो 1 है वो 10's प्लेस पर है। ऐसे मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ तो जो 2 है वो आप पीछे से रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 है वो 1's प्लेस पे है और जो 1 नंबर है ये आपका 10th प्लेस पर है। ठीक है, चलिए अब ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग 10s and 1s, तो जैसे ये 12 था टोटल जिसमें कि हमने 10 को अलग कर दिया। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, मैं लिखूँ यहाँ पे 13, तो ये 13 किससे मिलके बना, ये 13 बना 10 + 3 = 13, तो जो ये 10 जो था, ठीक है, 10 का जो ये 1 था ये कौन सी प्लेस पे था, 10th प्लेस पे, और जो ये 3 था ये कौन सी प्लेस पे गया, 1's प्लेस पे, तो ये क्या बना 10's और ये बना 1's, तो ये क्या हुआ 13। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ग्रुपिंग किया। जो आप इनको 1's और 10's को जब आप इनको एक साथ जब लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग में आप यहाँ पे मैंने दिखाया है 11 से लेके 20 तक स्पेलिंग है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ जिससे आप घर पे एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे 11 का स्पेलिंग क्या है, 1 जो है 10th प्लेस पे, 1 जो है वो 1's प्लेस पे, तो मेक 11, 1 1 मिलके क्या बने 11, तो 11 की स्पेलिंग क्या होती है, ELEVEN 11। 12 की क्या होती है, TWELVE 12,
तो जैसे वन और टू मिलके क्या बने, 12 बना, जिसका टू क्या है वंस प्लेस पर है और वन जो है वो टेंथ प्लेस पर है, ठीक है। फिर 13 thirteen 14 का क्या है fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 है seventeen 18 eighteen 19 का है nineteen 20 का twenty का। अब आप इसमें हर किसी में देखेंगे जब हम राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जिसका जो फर्स्ट नंबर होता है वो वंस प्लेस पर होता है, जो सेकंड होता है वो टेंथ प्लेस पर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उस पर आते हैं, जो आपने अभी ये जो मैंने आपको स्पेलिंग्स पढ़ाई है सेम वही आपको करना है, ग्रुपिंग करके लिखना है इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 है, तो 5 जो है वो वंस प्लेस पे गया, 1 जो है वो टेंथ प्लेस पे गया, तो मिलके नंबर क्या बना 15। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 15 की स्पेलिंग लिख देंगे fifteen, ठीक है। अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 जो है वो वंस प्लेस पर है, 1 जो है वो टेंथ प्लेस पर है, मिलकर बना 12। 12 की स्पेलिंग क्या होती है twelve, 12। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे घर पे। फिर क्या है, ये जो रीग्रुप करना है इनको, ठीक है, दोबारा से ग्रुपिंग करनी है और उनको लिखना है आंसर्स। तो जैसे 9 क्या है, 9 वंस प्लेस पर है और 1 जो है वो 10 प्लेस पर है, तो मिलके बना आपका 19, ठीक है। 13 जो है 1 10 प्लेस पर है, 3 वंस प्लेस पर है, मिलके बना 13। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर राइट द नंबर्स, इनके आपको नंबर्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आप नंबर्स कैसे लिखेंगे, जैसे 1 टेंस पर है, 9 1 पर है, तो मिलके क्या बना 19। 1 टेंस पर है, 7 1 पर है, तो मिलके बना 17। 2 टेंस पर है, 0 1s पर है, तो लिखेंगे 20। 10 पे क्या है 1 है और 4 पे क्या है 4 किस पे है वंस प्लेस पर है, तो आप इसको लिखेंगे 14, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपको ये क्या है मिसिंग नंबर लिखना है, तो 10 है 11 12 13 है ना, तो ये कैसी काउंटिंग चल रही है, फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है। तो 11 12 13 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 14 15 16 17 18 19 और 20, लेकिन जो ये 20 जो क्वेश्चन नंबर बी है ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गया, तो 20 है फिर 19 18 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 16 15 14 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 13 12 11 और 10, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। फिर हम अपनी अगली वीडियो में बिफोर आफ्टर और बिटवीन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आपकी बुक में ये कंप्लीट करके रखना है। इसको आप, मैंने आपको पहले मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप अपनी बुक्स को भी जब कॉपी चेक इन करवाने आते हैं आप स्कूल में, तो प्लीज़ बुक भी लेकर आएँ, जिससे कि मैं आपकी बुक भी चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो ये काम आपका हो जाना चाहिए और आप अपनी कॉपी बुक दोनों लेकर आएंगे चेक इन के लिए, ठीक है। थैंक यू।